ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 2000 ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੈਰੀ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਮੌਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे पंजाबीज का वार्म वार्म वेलकम। जी हाँ, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर और बहुत ही अच्छे थिएटर आर्टिस्ट मिस्टर पाली संधू जी से, जिन्होंने ऑलमोस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री को 8 मूवीज दी हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अक्षय कुमार के साथ वो अपना टैलेंट दिखा चुके हैं इन मूवी के थ्री। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब। थैंक यू सो मच जी, सत श्री अकाल। एक इंट्रोडक्शन तो हमने आपको दे दिया, अब हम चाहते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन आप कैसे देना चाहेंगे। और माइक मुझे पकड़ा दीजिए जी। अच्छा, मेरा नाम है जी पाली संधु और मैं पंजाब के रहने वाला हूँ और मेरा बांगा पुराना शहर है, डिस्ट्रिक्ट मोगा में पड़ता है। और ग्रेजुएशन मैंने की है अपनी फरीदकोट ब्रजिंदरा कॉलेज से और मास्टर इन थिएटर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और जहाँ तक मूवीज़ की बात है तो किस्सा पंजाब, साडे वाले, साका ननकाना, जोरा 10 नंबरिया, केसरी, यारा वे, अभी मैं जोरा का सेकंड चैप्टर कर रहा हूँ अभी, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम आपके रूबरू हो रहे हैं, वो है मिट्टी विरासत बब्बरों की। तो ये मूवी रिलीज़ हो रही है 23 अगस्त को। सो अभी इसमें अगर मूवी की बात करें तो इस मूवी में मेरा कैरेक्टर है गोरा बामन, वो हिंदू लड़का है। तो ये 4-5 दोस्त हैं इकट्ठे, अलग अलग कास्ट के हैं, तो मिलजुल के रहते हैं। तो ये एक तो पहला मैसेज ही ये है मूवी का कि मतलब जो इंटरकास्ट का ये बहुत फंडा चल रहा है, जो पंजाब में खासकर ये सबसे ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बहुत बड़ा ये मैसेज दिया गया है। और दूसरा, हमने ये चीज़ एक इस फिल्म के ज़रिए दिखाई है बब्बरों के बारे में, जो 1920 से स्टार्ट था हमारा इनका जो स्ट्रगल, सारी आप कह सकते हैं ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ इनके क्या क्या मुद्दे थे, इनकी क्या क्या मांगें थी, है ना, इनकी कुर्बानियाँ क्यों हुई, तो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म में पुरवाया गया है। क्योंकि ये जो ये हिस्ट्री है हमारी, और इस हिस्ट्री को मतलब भी किताबों में नहीं, है ना, सिलेबस में या बच्चों को, किसी को नहीं पता इसके बारे में। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म में वो चीज़ दिखाई गई। कह सकते हैं कि जो व्यूवर्स इस मूवी को देखने जाएंगे उनको कहीं ना कहीं पंजाबी कल्चर, जिसके बारे में उन्हें अभी तक नहीं पता, उसके बारे में उन्हें बहुत नॉलेज मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने केसरी फिल्म की थी तो सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में किसी को नहीं पता था, और जब वो फिल्म बनी और सुपर डुपर हिट गई तो पंजाब में इस दिन की छुट्टी होने लग गई। तो ये सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है पंजाब में, है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं, काफ़ी स्टोरीज़ हैं ऐसी हमारे शूरवीरों की जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं कहीं ना कहीं। तो अगर उन पे फिल्में बने, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, और दर्शकों का मतलब मुझे ये, मैं अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँगा उनको कि ऐसी फिल्मों को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी बहुत कम फिल्में बनती हैं। और अगर ऐसी फिल्में बनेंगी, आप सपोर्ट करोगे, तभी प्रोड्यूसर का पैसा पूरा होगा और तभी प्रोड्यूसर आगे ऐसे ऐसे कॉन्टेंट पर पैसा लगाएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो आप अपना टैलेंट दिखाई रहे हैं, बॉलीवुड में मिस्टर अक्षय कुमार के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आप? होना ये सारे जो आप सभी बात कर रहे हैं ना, पंजाबी कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं पंजाबी में ही बात करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली सब तो वड्डी गल ये होंदी है जी कि साढ़े पंजाब दे विच इन्नियां क कहानियां, इन्ने क शूरबीर, इन्ने क योद्धे पए ने, जिहड़ा कि साडी जिंदगी नूं जदों असीं उन्हां बारे पढ़ते हैं, कोई भी बुक मिल जाए सानूं, असीं जदों पढ़ते हैं और सानूं अट्रैक्ट करती है, और सानूं कितना कितना यह लगता है कि साडा सब तो वड्डा मार्गदर्शन है। और उस उपर चाहे मिल्खा सिंह है, चाहे केसरी की लड़ाई है, चाहे बब्बरां बारे गल करिए आपां, है ना, सो इदां दीआं स्टोरीआं मैनूं लगदा कि अगर बन रहीआं तां लोकां नूं जरूर इस चीज़ का साथ देना चाहिए, उन्होंने अजिहियां फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर सपोर्ट फिल्मों को करेंगे तो ही प्रोड्यूसर का पैसा पूरा होगा, और ता ही प्रोड्यूसर अगों इन्हां फिल्म इस तरह की फिल्मों लेके आएंगे। हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, जैसे आजकल का जो यूथ है, या हम अपने किड्स में भी देखते हैं, किड्स को भी घर में कोई कॉमेडी मूवी लगती है ना तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। आपको नहीं लगता कि हिस्टोरिक मूवीज़ की तरफ थोड़ा सा लोग यहाँ पे बैक हो रहे हैं, अपने कल्चर से बैक होते जा रहे हैं? ये बिल्कुल सच है जी, क्योंकि लाइफ इन्नी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, हम सारे जिन्हें भी लोग हैं स्ट्रेस ने, दुनिया बहुत फास्ट है,
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਬਹੁਤ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਰਲਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਇੱਕ 1920 ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਫੁੱਲ ਫਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਓਵਰਆਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਡਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਹਮੇਂ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਤੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਯਹ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਐਕਟਰ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੀਟ ਸਾ ਅਪੀਲਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆ ਕਿ ਉਨਕੀ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 23rd of August ਕੋ, ਔਰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਆਪਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਆਪਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੋਗਾ ਉਨਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਹਮਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਉਨਸੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੂਮੈਂਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੇ ਸਾਥ, ਸ਼ਿਪਰਾ ਪਸਰੀਜਾ, ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।